नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएन न्यूज़। आपके साथ मैं हूं पल्लवी रविंद्र सिंह। पश्चिम बंगाल में अप्रैल में विधानसभा चुनाव होने वाले, लेकिन उससे ठीक पहले लगातार टीएमसी के विधायक बागी होकर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। इससे बीजेपी की जमीनी पकड़ तो मजबूत होगी, लेकिन टीएमसी को कहीं इसका खामियाजा ना भुगतना पड़ जाए, क्योंकि मतुआ समुदाय जो कभी टीएमसी के साथ आज बीजेपी की छत्र छाया में है। और अगर बंगाल के सियासी समीकरण को देखें तो मतुआ और राजवंश समुदाय अगर चाहें तो बंगाल में सियासी बयार को बदल सकते हैं। कैसा है बंगाल का सियासी समीकरण और क्या स्थानीय मुद्दे छोड़कर अब क्या जाति के आधार पर इस रण क्षेत्र को जीतने की कोशिश की जाएगी, आज की चर्चा इसी मुद्दे पर। लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट। सपना देखना आसान है, लेकिन सपना देखना जानना पड़ता है। मोदी जी, आपको सपना देखना आसान नहीं है, आपको देश को तोड़ना आता है। बंगाल में सरकार बदलनी है या नहीं बदलनी है, मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाना है या नहीं बनाना है। बंगाल में आमतौर पर सुशासन, कुशासन, विकास, अत्याचार, हिंसा, अन्याय, भ्रष्टाचार और सांप्रदायिकता जैसे मुद्दों को केंद्र में रखकर सियासी पार्टियां चुनावी मैदान में उतर रही हैं। लेकिन इस बार स्थिति बदली हुई नजर आ रही है और बिहार, उत्तर प्रदेश की तरह जातीय समीकरण साधकर चुनावी बाजी जीतने की कोशिशें की जा रही है। एक और तृणमूल कांग्रेस से दूर चले गए मतुआ आदिवासी, राजवंशी, बावड़ी और बागदी जैसे समुदायों को लोक लुभावन घोषणाओं के जरिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी साधने की कोशिशों में है, तो वहीं भाजपा नेता भी इन समुदायों को रिझाने में लगे हुए हैं। राजवंशी और मतुआ समुदाय को अपने पाले में लाने के लिए ममता उनके आर्थिक और सामाजिक विकास की बातें कहकर उनका दिल जीतने की कोशिशें कर रही है, तो भाजपा भी लगभग वही कार्य कर रही है। ममता ने इन समुदायों के पूज प्रमुखों की जयंती पर सरकारी छुट्टियां घोषित कर दी हैं। उनके नाम पर सांस्कृतिक बोर्ड, कॉलेज और विश्वविद्यालयों के नाम जैसी कई घोषणाएं की थी ताकि चुनाव में उनका वोट मिल सके। पर पिछले सप्ताह भाजपा के कद्दावर नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राजवंशी और मतुआ समुदाय के गढ़ में जनसभा कर घोषणाओं की जो झड़ी लगाई, उसे ममता के नहले पर दहला माना जा रहा है। राजवंशी और ममता समुदाय की बंगाल में इतनी आबादी है कि दोनों को मिला दें तो इनका प्रभाव सूबे के करीब 90 विधानसभा सीटों पर है। साल 2016 विधानसभा चुनाव तक इन समुदायों का वोट तृणमूल कांग्रेस को मिल रहा था, लेकिन पिछले लोकसभा चुनाव में राजवंशी और मतुआ वोट धीरे से भाजपा की ओर खिसक गया है। नतीजतन राजवंशी समुदाय के प्रभाव वाले उत्तर बंगाल के कूचबिहार, अलीपुरद्वार और उत्तर दिनाजपुर, मालदा, जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंग के समतल इलाकों में तृणमूल का खाता तक नहीं खुल सका। वहीं मतुआ के प्रभाव वाले दक्षिण बंगाल की बनगांव और राणाघाट लोकसभा जैसी सीटें भी भाजपा की झोली में चली गई। यही वजह है कि ममता ने पिछले 2 सालों में कई बार उत्तर बंगाल का दौरा कर राजवंशियों के लिए एक के बाद एक घोषणाएं की। कुछ बिहार में नारायणी और आदिवासी इलाके में जंगल महल और पुलिस बटालियन बनाने, 5 करोड़ रुपए से बागदी, बावड़ी और 10 करोड़ से मतुआ कल्चरल बोर्ड बनाने की बातें कही गई। राजवंशियों से लेकर आदिवासी, बागदी और बावड़ी समुदाय को ममता ने साधने का पूरा प्रयास किया था, लेकिन एक ही झटके में ममता की रणनीति पर अमित शाह ने पानी फेर दिया। शाह ने कुछ बिहार जिले के ऐतिहासिक राम मेला मैदान में सभा कर राजवंशी समुदाय के लिए और बड़ी बड़ी घोषणाएं कर डाली। उन्होंने मुगलों को कुछ बिहार में रोकने वाली राजवंशियों की नारायणी सेना के नाम पर केंद्रीय अर्धसैनिक बल में नई बटालियन गठित करने, कुछ बिहार साम्राज्य के राजा नर नारायण के छोटे भाई चीला रॉय के नाम पर पूर्वी जोन के केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल ट्रेनिंग सेंटर का नाम रखने की घोषणा कर डाली। बंगाल के सत्ता में आते ही 500 करोड़ रुपए की लागत से राजवंशी सांस्कृतिक केंद्र, टूरिस्ट सॉकेट और 250 करोड़ रुपए की लागत से पंचानन वर्मा स्मारक केंद्र में उनकी मूर्ति स्थापित करने का ऐलान भी कर दिया गया। दरअसल राजवंशी समुदाय राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर चाहता है ताकि वहां रहने वाले घुसपैठियों को निकाला जा सके। यही प्रमुख वजह रही है कि पिछले लोकसभा चुनाव में राजवंशियों का वोट भाजपा को मिला था। उत्तर बंगाल सहित इससे सटे असम के कुछ जिलों में भी राजवंशी समुदाय का प्रभाव है, असम में भी चुनाव है। ऐसे में शाह ने एक तीर से कई निशाने साधने की कोशिश कर डाली। वहीं ममता ने जो मतुआ जैसे शरणार्थियों को जमीन पट्टा, राशन कार्ड से लेकर अन्य सभी सरकारी सुविधाएं देने की घोषणा कर अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास किया था, उसकी भी शाह ने हवा निकाल दी।
उन्होंने मतुआ समुदाय को नागरिकता देने के लिए संशोधित नागरिकता कानून लागू करने की बात कही, तो साथ में भरोसा दिया कि बंगाल में भाजपा की सरकार बनते ही मुख्यमंत्री शरणार्थी कल्याण योजना, मतुआ समुदाय के बुजुर्गों के लिए पेंशन, युवाओं के लिए छात्रवृत्ति और अन्य योजनाएं भी लागू की जाएंगी। साथ ही ठाकुर नगर रेलवे स्टेशन का नाम श्रीधाम ठाकुर नगर किया जाएगा। केंद्र द्वारा इसे टूरिस्ट सॉकेट के रूप में अब देखा जा रहा है। बीजेपी सीएए और एनआरसी का समर्थन करती है, तो टीएमसी कहती है कि इन्हें लागू नहीं होने देंगे। लेकिन यहाँ पर आपको ये बताना बेहद जरूरी है कि अगर राजवंश और मतुआ समुदाय चाहें तो ये बंगाल का सियासी समीकरण बदल सकते हैं, क्योंकि ये किंग मेकर की भूमिका में है। बंगाल में सत्ता किसको मिलेगी, बंगाल में ये यही समुदाय डिसाइड करते हैं। लेकिन देखने वाली बात अब ये होगी कि बंगाल के रण में शंखनाद कौन सी पार्टी करेगी। स्पेशल डेस्क आर्यन। सपना देखना आसान है, लेकिन सपना देखना जानना पड़ता है। मोदी जी, आपको सपना देखना आसान नहीं है, आपको देश को तोड़ना आता है। तो क्या बंगाल के रण को जीतना इस बार बीजेपी के साथ साथ टीएमसी के भी साथ की बात हो चुकी है, क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी के दिग्गज नेता पश्चिम बंगाल में सक्रिय हो चुके हैं। स्टार प्रचारकों की बात करें तो प्रधानमंत्री से लेकर के गृह मंत्री और इसके साथ रक्षा मंत्री ने भी पश्चिम बंगाल में अपनी भूमिका सुनिश्चित कर दी है कि इस बार पश्चिम बंगाल के रण क्षेत्र को जीतने की पुरजोर कोशिश बीजेपी की तरफ से की जाएगी। तो वहीं अगर बात करें टीएमसी की तरफ से, मां रसोई की शुरुआत करके टीएमसी ने सीधे तौर पर उन लोगों को टारगेट करने की कोशिश की है जो गरीब समुदाय से आते थे और जिनको खाने पीने की समस्याएं होती थी। आपको बताते चले, पहले दिन कोलकाता के अलावा मालदा, दक्षिण दिनाजपुर, पश्चिमी मेदिनीपुर और हावड़ा जैसे जिलों में के कुछ स्थानों पर मां रसोई की शुरुआत की गई है। हालांकि बीजेपी को यह रास नहीं आया, बीजेपी ने इसे चुनावी एजेंडा करार दे दिया। यहां पर आपको यह भी बताते चले, लॉकडाउन में दीदीर रन्ना घर की शुरुआत की गई थी। सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस ने सितंबर में इसकी शुरुआत की थी जब लॉकडाउन लागू हुआ था और उस टाइम पे लोगों को खाने पीने की परेशानियां हो रही थी। अब यहां पर सवाल ये कि जो स्थानीय मुद्दे हैं वो कहीं ना कहीं गायब होते जा रहे हैं पश्चिम बंगाल के, अगर हम पूरे सियासी समीकरण को समझने की कोशिश करें। हालांकि आपको बताते चलें, इस जो पूरा पश्चिम बंगाल का सियासी समीकरण है वो एक बार फिर से सीए एनआरसी पर टिका हुआ नजर आ रहा है। जहां एक तरफ टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी कहती हैं कि कुछ भी हो जाए हम एनआरसी और सीए को पश्चिम बंगाल में लागू नहीं होने देंगे, पश्चिम बंगाल इससे दूर रहेगा, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी कहती है कि एक बार सत्ता में आने के बाद हम जहां मतुआ समुदाय को नागरिकता देंगे तो वहीं राजवंशी समुदाय को ये सहूलियत देंगे कि एनआरसी लागू हो जाए, ताकि जिसका राजवंशी समुदाय इतने दिनों से मांग कर रहे थे कि एनआरसी लागू हो जाएगी तो घुसपैठियों को बाहर निकाला जा सकेगा पश्चिम बंगाल से, तो वो चीज़ें हो जाएंगी। अब यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि दोनों समुदायों को टारगेट करने की कोशिश यहाँ पर बीजेपी की तरफ से की गई और टीएमसी भी लगातार सक्रिय हो चुकी है। इस मुद्दे पर ज्यादा चर्चा करने के लिए बीजेपी के प्रवक्ता सूर्य प्रकाश मिथिल, टीएमसी के प्रवक्ता संजय सरकार हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अब दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है आर्यन न्यूज पर। सबसे पहले संजय जी आपके पास आना चाहूंगी, क्या इस बार बीजेपी पश्चिम बंगाल के रण को जीतना टीएमसी के साथ की बात हो चुकी है? देखिए, हम तो पहले से चुनाव जीत चुके हैं। जीत चुके कैसे बता रहे हैं हम? हमने 2019 में जो लोकसभा चुनाव हुआ था, हम गणित के हिसाब से आपसे बात करना चाहते हैं। उस समय अपने कुछ कार्यकर्ता, कुछ नेता के चलते नाराजी थे, ठीक है। तो वो कार्यकर्ता को हम लोग बहुत जल्दी उसको सामने लेके आया है, जिससे किसके कारण में इतना गोड़बाजी हुआ, क्या हुआ, नहीं हुआ, हम लोग पूरा उसको छानबीन किया। छानबीन करने के बाद में हम लोग तय कर लिया कि हम लोग बूथ का जितना बूथ कर 78,903 बूथ है बंगाल में, तो हमने उस कार्यकर्ता के साथ में हम लोग जुड़े हैं। जुड़ने के बाद में उसने कहा है मेरे 8,80,000 मेरा बूथ लीडर है, 78 लाख कार्यकर्ता है, 40 लाख आदमी उसको मॉनिटरिंग कर रहे हैं। अपने टीम के हिसाब से मैं आपको बता रहे हैं। तो मैं लास्ट जो चुनाव हुआ था, जो लोकसभा चुनाव हुआ था, उसमें लोकसभा में 22 सीट मिला था, लेकिन हम 164 सीट से आगे थे। बीजेपी को 18 सीट मिला था, तो 121 सीट में बीजेपी भारतीय जनता पार्टी आगे थे। मैं आपको राजनीतिक का समीकरण जो है हम आपको उसको डिटेल्स हम गणित के हिसाब से दे रहे हैं। आपको 78,903 बूथ था, ठीक है, हम 45,500 बूथ में हम लोग आगे थे, ठीक है, बूथ में हम लोग आगे थे आगे।
उसके बाद में बाई इलेक्शन हुआ तीन सीट में एक सीट में जो करीमगंज है वो हम लोग मेरा जीता हुआ सीट था, दो सीट भारतीय जनता पार्टी को था। एक दिलीप घोष जी जहां से चुनाव कॉन्टेस्ट किए थे जब विधानसभा विधायक थे, तो भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष है और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी है, तो वहां पर हम लोग 55,000 वोट से पीछे थे। वो सीट में हम लोग 18,000 वोट से जीते, मतलब हम लोग सीट से 55,000 से रिकवर करके जीते हैं। तो उसको मतलब हम वहां पर 73,000 वोट में ऑलरेडी आगे चल चुके हैं। और जब कलियागंज जहां पर जो थे तो वहां पर हम लोग कहा थे, हम लोग वहां पर 65,000 वोट से हारे थे, वो सीट हम लोग 5,000 वोट से बाई इलेक्शन में जीते हैं। और करीमगंज जो थे, जो महुआ मित्र जहां से खड़े हुए थे, वो सीट पहले से हम लोग विधायक थे, मेरे विधायक वहां हम लोग पहले तीनों सीट हम लोग जीते थे। अभी का हुआ भारतीय जनता पार्टी, आप देखिए जिस दिन हल्दिया में सभा करके गया था, नरेंद्र मोदी जी को जो जनता का समागम था 15,000 नहीं था। जेपी नड्डा जी झारग्राम में सभा करने के लिए आया था, मीटिंग करने के लिए, रैली करने के लिए 50 से 100 आदमी था। तारापीठ में सभा करने के लिए आया था, वहां पर भी 500-600 आदमी, कहीं पर रैली में वो गया ही नहीं है, मंच पे भी नहीं उठे हैं। ठीक है, बीच में अमित शाह जी कुचबिहार में जाकर बहुत नारायण सेना होना सबका राजवंशीय का बात बोला था। एक्चुअल में क्या हुआ मैं आपको बता रहा है, यहाँ पर मथुआ और राजवंशी संप्रदाय संपूर्ण तरफ से यू टर्न कर गया, अभी इनको चिंता का कारण। अच्छा एक चीज बताइए, तो अगर ये देश का नागरिक नहीं होने से तो ये वोट कैसे दे रहा है? और निश्चित जहां से शांतनु ठाकुर जहां से जीते हैं मथुआ का, वो अगर देश के नागरिक नहीं है तो इलेक्शन कैसे कॉन्टेस्ट कर रहे हैं? हम तो ये बात हम हर 9-3 बूथ में जाकर समझा रहे हैं। रह गया मेरे विकास के मुद्दा, अब आपको लोग जितना मीडिया दिखा रहे ना भारतीय जनता पार्टी को आगे, या वो गलत एक गलत फहमी है आप लोगों का, मैं हकीकत बताने चाहते हैं। अभी भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पर जमीन पे पैर, जमीन पे मतलब मिट्टी ने पैर पे मिट्टी नहीं है और जनता इनको साथ में नहीं है। स्थिति का हो चुके हैं भारतीय जनता पार्टी को, यहाँ पर एक मुट्ठी धान लेने के लिए घर में आ रहे हैं और यहाँ किसान लोग फिर बोल रहे हैं भाई आप दिल्ली में जो किसान रास्ता के ऊपर मर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, खाने पीने का पानी बंद कर दिए हैं, किला दे दिया, किला लगा दिया रास्ता में, वो चल नहीं पाए, आप यहाँ पर नाटक करने के लिए आ गया, काम तो पूरा नाराज है, गांव के तरह बोले आपको 6,000 रुपए किसान निधि में दिया, महीना में 500 रुपया, दिन में 16 रुपया। ठीक है, मैथिल जी से जवाब ले लेते हैं, आपने अच्छा खासा समीकरण दिया है। समीकरण क्या है मैथिल जी, अगर 2019 के चुनावी परिणाम को देखें तो आपको सच में सिर्फ और सिर्फ 41% वोट मिले थे, और इसके साथ साथ काडर बैस के आधार पर देखें तो वहां पर भी आपको, क्योंकि हम इस आज जो चर्चा हो रही है पूरे समीकरण पर हो रही है, उसके साथ सीएम फेस अभी तक पश्चिम बंगाल में फिलहाल आप लोग बीजेपी की तरफ से क्लियर नहीं किया गया है। अब वोट बैंक के आधार पर भी अगर देखें तो इसमें कोई दोराय नहीं है कि अगर राज्यों की बात करें, अगर प्रधानमंत्री के तौर पर देखें तो जनता जहां एक तरफ मोदी जी को पसंद करती है तो वहीं दूसरी तरफ राज्यों की अगर बात करें तो कहीं कई राज्यों में आपको मुंह की भी खानी पड़ी है क्योंकि सीएम फेस आप लोग क्लियर नहीं करते हैं। सूर्या जी आ रही हूँ आपके पास, जवाब ले लेते हैं। एक चीज हम बताते हैं। ठीक है संजय जी आपके पास आ रही हूँ, आप सूर्य मैथिल जी का जवाब ले लेते हैं, आपको सुना है, आप जवाब ले लेते हैं, आपको आपका समय मिलेगा, जवाब दीजिए। पल्लवी जी, मेरे मित्र संजय सरकार जी ने अभी बहुत सारी आपको जानकारियां दी, बहुत सारे आंकड़े दिए कि मैं इतने हजार बूथों पे आ गया था, इतने लाख मेरे कार्यकर्ता हैं, इतने लाख मेरे बूथ पालक हैं, ये सब बहुत अच्छी बात है, बहुत सारे आंकड़े इनके पास। लेकिन मैं एक आंकड़ा आपको और रखना चाहता हूँ कि 25 साल के अंदर टीएमसी को 43% वोट मिले थे और भारतीय जनता पार्टी को 40.7% वोट मिले, ठीक है 40.7% वोट। और 17 दल के अंदर आज के समय में भगदड़ मची, ये आप भी जानती है और मैं भी जानता हूँ, रोज इनका कोई ना कोई नेता भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर रहा है। आपके सामने एक आंकड़ा और मैं रखना चाहूंगा, जहां पर ममता बनर्जी जी 2019 के अंदर ये दम भर रही थी कि बंगाल के अंदर 42 में से वो 40 सीटें जीत के जाएंगी, वहां पर भारतीय जनता पार्टी ने 18 सीटें जीती। 18 सीटों के साथ साथ 17 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार विजयी उम्मीदवार से 50,000 से 1,00,000 वोटों से पीछे रहा, और यही कारण है कि आज बंगाल के अंदर जो स्थिति है, हम आंकड़ों के आधार पर भी यदि बात करें तो जिस प्रकार से आंकड़े बदल रहे हैं उससे बंगाल के अंदर टीएमसी में खलबली मची है। आप मथुआ समुदाय की बात कीजिए या आप बात कीजिए राजवंश समुदाय की, ये दोनों ही समुदाय को, चाहे वो मार्क्सवादी पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस हो और चाहे वो तृणमूल कांग्रेस हो,
इन सभी ने उसको केवल और केवल वोट बैंक की राजनीति के तहत सिर्फ चुनता है और काउच नहीं किया। माँ किचन की शुरुआत करते हैं ममता बनर्जी, आप लोग इसे चुनावी थाली बता देते हैं। समझाने में क्या कहा आपने? माँ किचन की शुरुआत की है ममता बनर्जी ने और बीजेपी की तरफ से कहा गया कि ये चुनावी थाली है। वजह? 10 साल के अंदर तो माँ किचन स्टार्ट हुई नहीं। लॉकडाउन में भी दीदी रन्ना घर के नाम से इन लोगों ने शुरुआत की थी, सत्तर जो तृणमूल कांग्रेस है, सितंबर में शुरुआत हुई थी इसकी। अच्छा, ये कोई पहली रसोई नहीं है जो तृणमूल कांग्रेस की तरफ से, टीएमसी की तरफ से जिसकी शुरुआत की गई है। सूर्या जी, पल्लवी जी, बहुत अच्छा प्रश्न आपने उठाया और मैं आपको उस रन्ना थाली के बारे में बताना चाहता हूँ कि उस समय में जब लॉकडाउन हुआ था तब तृणमूल कांग्रेस के जो नेता थे, जो ब्लॉक अध्यक्ष थे, जो जिला अध्यक्ष थे, जो विधायक थे, उनके घरों के अंदर केंद्र सरकार द्वारा भेजा गया पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का जो अनाज था, जो गरीबों के लिए था, वो अनाज इन लोगों ने अपने घरों में भरा और उसी अनाज को बेच बेच कर इन्होंने पैसे कमाए। साथ ही साथ इन्होंने जो थालियां चालू की उस पर केवल मुस्लिम घुसपैठियों का अधिकार रहा, केवल मुस्लिम तुष्टिकरण की इन्होंने राजनीति की। अब जाकर ये माँ थाली का जो नाम इन्होंने दिया है, ये चुनाव से 2 महीने पहले जो किया है, ये केवल और केवल एक कोरी राजनीतिक थाली है। ये आप भी जानती है और मैं भी जानता हूँ, पूरा बंगाल इस बात को देख रहा है। ठीक है, संजय जी जवाब दीजिए, जवाब ले लेते हैं। एक मिनट मेरी पूरी बात हो जाने दीजिए। ठीक है 30 सेकंड में बात पूरी करिए। संजय जी से जवाब लेना है आपके सवाल का। मतुआ समुदाय और राजवंश समुदाय को टीएमसी ने केवल केवल वोट बैंक की राजनीति के लिए यूज किया और इस बात को मतुआ समुदाय और राजवंश समुदाय अच्छे से समझ रहा है। और इस समय में इन दोनों समुदाय को भी अगर आप साइड कर दीजिए तो पूरे बंगाल के अंदर जो 1,08,00,000 किसान परिवार हैं, किसान हैं मेरे भाई, उनके अंदर भी एक बहुत बड़ा रोष है कि जो ममता बनर्जी दीदी ने किसान सम्मान निधि जो केंद्र की सरकार सीधा किसानों के अकाउंट में भेजती है उसको भी नहीं लेने दिया और 12,000 रुपए जो है मेरे किसान भाइयों के इस समय मारे गए। ठीक है, संजय जी जवाब दीजिए। ठीक है जवाब ले लेते हैं, जवाब ले लेते हैं सरकार। संजय जी, तो ये 12,000 रुपए भी मेरे किसान भाइयों को मिलेंगे। शायद यही वजह है कि गृह मंत्री ने कह दिया कि जैसे ही आएगा 18 हाँ, ठीक है, 18,000 करोड़ के आसपास हम दे देंगे किसानों को ला करके, गृह मंत्री ने कहा जा करके। ठीक है, आप जवाब ले लेते हैं। संजय जी जवाब दीजिए। ठीक है संजय जी जवाब दीजिए। ठीक है, मेरे मित्र यहाँ बैठे हैं, मैं एक चीज बताते हैं। जब दीदी 2009 में जब रेल मिनिस्टर बने थे तब ठाकुर नगर का कोई स्टेशन नहीं था, तो घोड़ाचार ठाकुर रहता है मतुआ संप्रदाय के जो मैन, उसके नाम से वहाँ पर रेलवे स्टेशन बनाया। रेलवे स्टेशन मतुआ लोग के लिए ठाकुर नगर रेलवे स्टेशन दीदी ने बनाया और जब रेल मिनिस्टर थे उसके लिए ठाकुर नगर के लिए ट्रेन चालू किया था। वहाँ पर मतुआ संप्रदाय का बहुत सारे फंक्शन होते रहते हैं, साल में 4-5 बार इसके लिए बनाया और मतुआ के लिए यूनिवर्सिटी बनाया, घोड़ाचार हरिचार के नाम पे यूनिवर्सिटी बनाया। बोला ना कुछ नहीं किए हैं। अच्छा, नारायणी सेना राजवंशी जो होता है उसको नारायणी सेना बोलता है, नारायणी यूनिवर्सिटी बना है, इसको मालूम है। नारायणी सेना के रेजिमेंट वाला बंगाल पुलिस में रेजिमेंट बना, ठीक है ना। मेरे भाई को कुछ मालूम नहीं है, बहुत बोलते रहता है लेकिन जानकारी लेके बैठने से डिबेट में अच्छा होता है। डिबेट में अच्छा आदमी को सब बैठने में बहुत, अपने को भी अच्छा लगता है बोलने में। और तीसरे नंबर किसान निधि सम्मान के लिए मेरे मित्र जो बोले हैं, अभी मेरे भाई बोले हैं, हाल में 6,000 रुपया देता है महीना, 500 दिन में 16 रुपए। अरे मेरे अन्नदाता गरीब किसान है लेकिन वो भिखारी तो नहीं है, भीख तो नहीं मांग सकता। मेरे दीदी उसको 5,00,000 रुपया दिया है महीना का 42,000 रुपया खर्चा दिए है और दिन में 1,400 रुपया जी महीने का 42,000 रुपए किसान भाई को एक करके बात पूरी होने दीजिए, क्योंकि बंगाल का अप्रैल में चुनाव होने हैं और सियासी समीकरण समझना बेहद जरूरी है। एक एक करके ठीक है, आपका समय मिलेगा, आप उनके झूठ को उजागर करिएगा। एक बार बात तो पूरी हो जाने दीजिए संजय जी की, बात पूरी करिए। मेरे बात सुनिए ना, एक मिनट से खत्म करने दीजिए मेरे को। भारतीय जनता पार्टी के जो अध्यक्ष है यहाँ पर, हेलो, हाँ बात पूरी करिए आप अपनी। भारतीय जनता पार्टी का जो अध्यक्ष है उसका नाम है दिलीप घोष जी। क्या बोला?
दुर्गा माता का अपमान किया। कहा दुर्गा माता का अपमान कर, दुर्गा माता का कोई भी, ये रामचंद्र जी को तो रामायण है उसमें जाना, अगर भगवान रामचंद्र जी रावण को वध करने के लिए दुर्गा माता का आराधना किया था, ये भी जानकारी नहीं है। दुर्गा माता को अपमान किया है, बंगाली जाति को चोर चिटिंगबाज बोला, क्यों उसके ऊपर जनता नाराज है, दिलीप घोष बोला है, ठीक है, ठीक बंगाल है। बनाने के लिए बंगाली को कोई भूमिका नहीं है, बाहर से आकर सब बनाया है, इतना झूठ बोलेंगे, इतना बंगाली को, बंगाली जाति को इतना ठीक है। सूर्या जी, जैसा अभी संजय जी ने कहा कि वहां पर कोई रेलवे स्टेशन नहीं था, लेकिन ठाकुर नगर रेलवे स्टेशन बनवाया टीएमसी ने, अब वहां पर गृह मंत्री पहुंचे, उन्होंने कह दिया उसका नाम बदलकर श्रीधाम ठाकुर नगर कर दिया जाएगा। इससे पहले ममता बनर्जी का एक बयान सामने आया था, उन्होंने कहा था कि सारे कार्य हमारे हैं, बीजेपी सिर्फ श्रेय लेना चाहती है। जवाब दीजिए, सही बात है संजय जी, सॉरी सूर्या जी। देखिए पल्लवी जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये बहुत सारी बातें कर रहे हैं कि मुझे जानकारी नहीं है, जानकारी इनको नहीं है, जिस बंगाल के अंदर दुर्गा पूजा के लिए नहीं, मैं स्थानीय मुद्दों पर ये चर्चा कर रही हूँ, ये राम के नाम पर, दुर्गा के नाम पर ये चर्चा नहीं हो रही है। सवाल मेरा आपसे ये है, ठाकुर नगर रेलवे स्टेशन जैसा संजय जी ने कहा कि टीएमसी के द्वारा बनवाया गया, अब गृह मंत्री कहते हैं जाकर के कि वहां उसका नाम बदलकर श्रीधाम ठाकुर नगर कर दिया जाएगा सरकार आते ही। ममता बनर्जी बीजेपी पर आरोप लगाती है सूर्या जी कि आप लोग उनके कार्यों का सिर्फ श्रेय ले रहे हैं नाम बदल बदल कर। जवाब इसका दीजिए मुझे, राम के नाम पर यहां पर चर्चा नहीं होनी चाहिए, ना ही दुर्गा के नाम पर, मेरी चर्चा उस पर है ही नहीं। अरे पल्लवी जी, मैं बता तो रहा, आप सुन तो लीजिए, आप जिस रेल मंत्री ममता बनर्जी दीदी की बात कर रही हैं, ये वही दीदी हैं हमारी जिनके राज में राजधानी ट्रेन, भुवनेश्वर की राजधानी ट्रेन अगवा की गई थी नक्सलियों द्वारा, और उसके बाद उसको छुड़ाने के लिए, जिस व्यक्ति को छुड़ाने के लिए ये अगवा की गई थी ट्रेन, वो आज नक्सली नेता इनका बंगाल के अंदर सचिव है, टीएमसी का सचिव है, ये नक्सलाइट लोग है। आपको बताना चाहता हूँ, जो आप कह रही हैं कि मुद्दों की बात करते हैं, किसानों का मुद्दा स्थानीय है, माता दुर्गा का मुद्दा स्थानीय है, सरस्वती पूजा का मुद्दा स्थानीय है, रामनवमी का मुद्दा स्थानीय है, हनुमान जयंती का मुद्दा स्थानीय है। लोगों की परेशानियां देखिए सूर्या जी, सूर्या जी देखिए, लोगों की परेशानी है, नहीं नहीं नहीं, आप चर्चा को इस तरीके से, मैं चाहती हूँ कि मेरे दर्शक तसल्ली से बंगाल के पूरे सियासी समीकरण को समझे। बोस जी के जन्म दिवस को पराक्रम दिवस बनाने की जब भारतीय जनता पार्टी घोषणा करती है, तो उसके बाद प्रधानमंत्री जी के मंच पे रहते हुए भी जिस प्रकार का, नहीं सूर्या जी, आप मेरा सवाल नहीं समझे, ममता बनर्जी का आरोप कि उनके कार्यों का श्रेय लेती है बीजेपी, मेरा सवाल ये था। अब जिस तरीके से मैंने आपको भी बताया कि श्रीधाम ठाकुर नगर उस रेलवे स्टेशन का पहले से नाम है, श्रीधाम आगे से जोड़ देना, अब वो योजना आपकी हो गई। नहीं तो श्रीधाम, हमने कहा कि हम उसका नाम श्रीधाम ठाकुर नगर रखेंगे, तो इसमें कहां गलत कह दिया। अगर हमने कहा कि राजवंश समुदाय को एक प्रतिनिधित्व देंगे नारायणी बटालियन बनाकर, तो उसमें हमने किस प्रकार से इनकी योजना का नामांकन अपने नाम से कर लिया, ठीक है। पश्चिम बंगाल के अंदर मथुआ समुदाय और राजवंश समुदाय, इन दोनों समुदाय को किसी भी तरह की इन्होंने सुविधाएं नहीं दी है। ये बात कह रहे हैं कि इन्होंने एक यूनिवर्सिटी मथुआ समुदाय के लिए बनवाई है, एक राजवंश समुदाय के लिए बनवाई है। मैं अपने मित्र से बहुत सारे आंकड़े हैं इनके पास, पूछना चाहता हूँ कि उन दोनों यूनिवर्सिटीज के अंदर मुझे इस बात का उत्तर दिया जाए कि मथुआ समुदाय और राजवंश समुदाय को कितना कोटा दिया गया है। आपने कहा ना, नाम दिया गया है दलित समुदाय है, मथुआ समुदाय, उस दलित समुदाय का जीवन ऊंचा करने के, संजय जी जवाब दीजिए, जवाब ले लेते हैं, संजय जी जवाब दीजिए, ठीक है संजय जी, ठीक है। मैं एक संप्रदाय के लिए क्यों बनाया, मथुआ सबसे पिछड़े वर्ग है, हम उस संप्रदाय को सम्मान करते हैं, सम्मान को साथ में मथुआ संप्रदाय को आगे लेके आने चाहते हैं, इसके लिए हम हरिचंद गोराचार्य के नाम की यूनिवर्सिटी बनाए। क्यों बनाया, जो उस संप्रदाय के आगे बढ़ सकते हैं, पिछड़े वर्ग से जो है उसको हम आगे बनाने के लिए पूरा कोशिश किया, उस संप्रदाय को हमने, उसके अलावा हमने और एक चीज किया है, क्या किया मालूम है, मथुआ डेवलपमेंट अथॉरिटी किसने बनाया, ममता दीदी ने बनाया, ठीक है, मैंने बनाया,
फिर हमने कहा कि राजवंशी डेवलपमेंट अथॉरिटी किसने बनाया, ममता दीदी ने। किसको नौकरी मिल रहा है, ममता वो मतुआ संप्रदाय का आदमी लोग को नौकरी मिल रहा है, राजवंशी संप्रदाय को आदमी को नौकरी मिल रहा है। देन WBPS और IAS में भी जो आते हैं हम लोग कोशिश जुड़े हैं, कहीं अगर राजवंशी परिवार से जुड़े हम लोग उसको वहां पर दाखिल करेंगे, ठीक है, ये अपना दाखिल था। और मेरे भाई जो बोल रहा है 23 जनवरी में दिन के दिन जो हलचल मचे हुए, तो वो देश नायक सुभाष चंद्र बसु जी का जन्मदिन थे, ये मानता है पूरा हिंदुस्तान नहीं पूरे वर्ल्ड में मानता है, जो हिटलर का नजर नजर मिला के बात किए थे सुभाष चंद्र बसु, सुभाष चंद्र बसु और इसके आपको इनके साथ में कुछ कॉन्वर्सेशन हो रहा था, किसके साथ में, श्यामा प्रसाद मुखर्जी को साथ में, श्यामा प्रसाद मुखर्जी बोल रहा है हम जेल में जा नहीं सकते आजादी के लिए और नहीं मैं कांग्रेस का वरिष्ठ नेता बन सकता है, ठीक है, मैं एक मिनट दो मिनट इसको भाई को जानकारी होना चाहिए ना। और दूसरे सवाल समझ रहे हैं आपका, सवाल समझ रहे हैं आपका, संजय जी, संजय जी क्या आप मानते हैं कि जो दो समुदायों की आप बात कर रहे हैं, चाहे राजवंश समुदाय की बात हो या फिर मथुआ समुदाय की बात हो, 2016 तक पूरा का पूरा समर्थन TMC के पास इसका था, लेकिन अभी TMC से दूर हो चुकी है, छत्रछाया इन्होंने अपना हाथ TMC से वापस ले लिया है, क्यों? राजवंश चाहता है कि NRC लागू हो जाए ताकि घुसपैठियों को दूर किया जा सके, इसके साथ साथ मथुआ समुदाय ये चाहता है कि CA आ जाए ताकि उन्हें नागरिकता मिल सके। अब इसमें कोई दोराय नहीं है, मैं अगर आपकी बात से सहमत हूँ संजय जी, तो इसमें कोई दोराय नहीं है, चलिए मान लेते हैं कि आप लोगों ने उन्हें जमीन दी, रहने के लिए छत दिया, लेकिन मथुआ समुदाय को सब कुछ मिला, लेकिन जिसके वो अधिकार थे नागरिकता का बस वही नहीं मिला, और जिसकी वजह से वो कहीं ना कहीं TMC से रुष्ट हो चुके हैं। जवाब दीजिए। नहीं नहीं, वो तो शांतनु ठाकुर तो फिर TMC में आ रहा है, तो बहुत जल्दी ज्वाइन करेंगे TMC में। मेरा सवाल आपसे क्या था संजय जी, आपने मथुआ समुदाय की सारी सहूलियतों का ध्यान रखा, आपने बहुत सारी योजनाएं गिनी, आपने कहा मथुआ समुदाय के लिए किया, आपने राजवंश समुदाय के लिए किया, मान लेते आप लोगों ने ये किया है, लेकिन उसके साथ साथ जो उनकी मांग थी, जो वो चाहते थे TMC से, वो नहीं हो पाया। CA के मांग थे उन लोगों को, ये इसका फायदा BJP जरूर लेकर के जा रही है, क्योंकि मथुआ समुदाय नागरिकता चाहता है और इससे आप डिनाई नहीं कर सकते हैं, राजवंश चाहता है कि NRC आ जाए और अप्रत्यक्ष रूप से BJP वही कर रही है अभी पश्चिम बंगाल में। आप जवाब नहीं देना चाहते हैं कि आप जो उनकी मेन चीज थी वो चीज आप लोग देने में असमर्थ साबित हुए हैं, ना ही आप लोग राजवंश समुदाय को खुश कर पाए और ना ही मथुआ समुदाय को, और उसका खामियाजा भुगतना न पड़ जाए। देखिए शांतनु ठाकुर के साथ में अभी भारतीय जनता पार्टी को बिल्कुल लड़ाई चल रहा है, वो CAA लेके भारतीय जनता पार्टी इसको गलत सिखाया था, गलत फहमी हुआ था, इसके लिए लड़ाई चल रहा है बिल्कुल। अभी वहां पर जहां पर अमित शाह जी पर रैली किए थे, रैली में भी लड़ाई हुई, वहां पर रैली में उसके एजिटेशन किया अमित शाह को खिलाफ में, हाँ, हमने तो इसको बोला है मथुआ का जो अधिकार है वो अधिकार हम देने के लिए तैयार है बिल्कुल। मथुआ चाहता है, मथुआ नागरिकता चाहता है, नागरिकता मिलेगी CA से। ममता बनर्जी कहती है ठीक है, इसका जवाब ले लेते हैं सूर्या जी से। सूर्या जी आप जवाब दीजिए, मथुआ समुदाय चाहता है नागरिकता, नागरिकता आएगी CA से। अब संजय सरकार जी कह रहे हैं कि मथुआ समुदाय जो चाहता है हम देने के लिए तैयार है, लेकिन ममता सरकार कहती है कि CA NRC मेरी लाश से आएगा, मैं मर जाऊंगी तभी आएगा। तो ये दोनों समुदाय अपने आप को पश्चिम बंगाल में ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। पल्लवी जी, मेरे TMC के मित्र के पास उत्तर होगा ही नहीं। मैंने एक सिंपल सा क्वेश्चन किया कि इन्होंने यूनिवर्सिटीज के नाम लिए, इन्होंने अथॉरिटीज के नाम लिए, मैंने इनसे सीधा पूछा कि इन यूनिवर्सिटीज में कितना कोटा है मथुआ समुदाय और राजवंश समुदाय के लिए। दूसरा प्रश्न मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, मथुआ लोग के लिए कोटा है, इन्होंने कितनी बार केंद्र सरकार को लेटर लिखा के देख लीजिए, ऑनलाइन में जाके देख लीजिए ना, गूगल सर्च करके देख लीजिए ना, कितने सर आपको मालूम 100% उन्हीं लोग का है। नागरिकता देने का इन्होंने आपने कोटा पूछा था, संजय सरकार जी ने गूगल कर लिया है कि कितना कोटा मथुआ समुदाय को मिला हुआ है, और देख के बता रहे हैं कि कितना कोटा है। संजय सरकार जी आप बता ही दीजिए, फिर बताइए ना, बताइए। अरे हम तो 100% उनको कोटा दे दिया है, राजवंशी को 100% दिया है, राजवंशी को 100% दिया है। आपने
आपने जो आपने जो जो सीए बोले थे आप बोले थे करेंगे सीए कर पाए तो उसको आप तो बोला अभी नहीं होगा बाद में होगा चुनाव के बाद होगा अभी आप बोल रहे हैं आप लोग बोल रहे हैं अमित शाह जी बोल के दिया है वो भी ब्रीफ कहिए तो पेपर कटिंग आपको भेज देता है फिर भी आपने आज तक एक भी पत्र केंद्र सरकार को चाहे ममता जी की 2019 के अंदर रेल मंत्री थी तब भी आपने एक बतुआ समुदाय और हमारे राजवंश समुदाय को शरणार्थी से देश का नागरिक बनाने के लिए कुछ नहीं किया 10 साल सत्ता में आप देश का नागरिक है राजवंश तो पहले से नागरिक है राजवंश तो पहले से ही है और बथुआ जो बांग्लादेश से आए हैं वो अगर नागरिक नहीं रहे तो वोट कैसे डालते हैं आपको मालूम होना चाहिए ना बेकुल कैसे सवाल कर रहे हैं अगर सुब्रत ठाकुर अगर देश का नागरिक नहीं रहेंगे ये सॉरी शांतनु ठाकुर देश का नागरिक नहीं रहेंगे तो चुनाव कैसे करेंगे अरे शर्म कर लो सब जानते हैं अब देखो बोल रहा है थोड़ा पढ़ाई लिखाई करके आई ना गोमूत्र और गोमूत्र गोबर लेने से ना आप शिक्षा में आगे नहीं बढ़ सकते गोमूत्र छोड़ के और ये छोड़ के आपको आने पड़ेंगे बंगाल की जनता गोमूत्र छोड़ के और गोबर छोड़ के आपको आने पड़ेंगे गोमूत्र छोड़ दीजिए गोबर छोड़ दीजिए छोड़ आइए लेकिन आप भी बहुत सारे अच्छे से बात कर सकते हैं इंटेलिजेंस की तरह बात कर सकते हैं बंगाल की जनता आती है और बंगाल के स्वाभिमान की रक्षा करने के लिए बंगाल में भाजपा की सरकार बनाती है आप लोग नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के जीवन की उम्र कुछ नहीं कर पाए भाजपा ने आजाद हिंद फौज के 100 साल पूरे होने पर इतनी बड़ी जो कार्यक्रम किया दिल्ली के अंदर प्रधानमंत्री जी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के आजाद हिंद फौज के सैनिकों के पैर छुए उसके बाद पराक्रम दिवस मनाकर पूरे देश और पूरे विश्व में नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का सम्मान बढ़ाया 10 साल से आप लोग हैं आप लोगों ने क्या किया केवल बंगाल को भरा है किससे भरा है घुसपैठियों से भरा है आज बंगाल की शिक्षा नीति बिल्कुल शून्य है आज बंगाल के अंदर किसान रो रहा है बॉर्डर देखने का जिम्मेवारी तो आपके है अमित शाह जी का है बीएसएफ तो आपके हाथ में है बीएसएफ क्यों घुसपैठी को घुसने देता है इसके मतलब आप कहीं ना कहीं मिले भुगत थे वहाँ पर घुसपैठी घुसा के देश के अंदर देश को बदनाम करने के लिए आतंकवादी फैलाने के लिए काम कर रहे हैं घुसपैठी मैं आपसे पूछना चाहता हूँ आपसे पूछना चाहता हूँ बॉर्डर तो आपको है घुसपैठी कैसे घुस रहे असम में भी घुसपैठी घुस रहे हैं बंगाल में भी घुसपैठी घुस रहे हैं आप बोल रहे हैं ना योगदान है भैया अरे भाई मैं आपसे पूछने चाहता हूँ बंगाल को बोलो ना बॉर्डर किसके है वो बंगाल की उपजाई बॉर्डर किसके है भूमि जहाँ पर अरे बॉर्डर किसके है का प्रसार होता था विश्व के सबसे अरे मैडम इसको पूछिए बॉर्डर किसके इसको पूछिए ना एक बार बंगाल ने इस देश को और पूरे विश्व को ठीक है मैडम अगर बॉर्डर किसको पूछिए ना उनको बॉर्डर की देखभाल करने का किसका जिम्मेदारी है ठीक है संजय सरकार जी संजय सरकार जी जिस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह ने राजवंश समुदाय को टारगेट करने की कोशिश की है अब क्योंकि कुछ ही महीनों में कुछ ही दिनों में असम में भी चुनाव होने हैं और इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस वंश का प्रभुत्व तो असम में भी है तो एक तीर से दो निशाने गृह मंत्री की तरफ से टीएमसी को खामियाजा मेरे मित्र ने अभी बोल रहा था बॉर्डर से घुसपैठी आ रहे हैं अच्छा घुसपैठी बॉर्डर देखने का जिम्मेवारी तो होम मिनिस्टर अमित शाह जी को है बीएसएफ उनका है तो उन्होंने मतलब उन्होंने तो एक तीर से दो निशान साधने की कोशिश कर ही दी है ना संजय जी घुसपैठियों को बाहर निकालने की मांग है राजवंशी समुदाय की तरफ से अब ये समुदाय अगर गृह मंत्री के पास में चला जाता है और अगर बीजेपी एनआरसी आएगी और असम में जिस तरीके से अभी कर रही है तो अगर राजवंशियों को लुभाने में कामयाब हो जाती है तो घाटा तो टीएमसी का होगा ना ठीक है सूर्या जी बस आ रहे हैं कोई टेंशन नहीं है को राजवंशी और मथुआ को जो डेवलप हमने किया है भारतीय जनता पार्टी से आश्वासन दे के गया मैं मेरा मित्र से एक ही चीज पूछना चाहता है जब घुसपैठी के बारे में जब बोलते हैं तब उसको जानकारी है बॉर्डर कौन देखता है बीएसएफ देखता है बीएसएफ किसका अंडर ठीक है ठीक है ठीक है बात हो रही है मुद्दों की कि किस तरीके से पश्चिम बंगाल में मथुआ समुदाय और राजवंशी समुदाय को यहां पर टारगेट करने की कोशिश की जा रही है 90% सुनिए दमाद बनाकर तुमने अपने घरों में बैठा रखा है अरे भाई हम क्यों जमात बनाएंगे आप बॉर्डर से घुसा रहे हैं भाई हम तो उसको सीधे जेल में लेके जाता है जेल घुसाते हैं 6 महीने के बाद में फिर सरकार की तरफ से उसको फीडबैक होता है बॉर्डर भाई आपके हैं आप घुसपैठी घुसाते हैं आप आतंकवादी घुसाते हैं मैं तो ये पूछना चाहता हूँ 350 किलो आरडीएस कैसे 350 किलो आरडीएस कैसे मेरे देश में घुस गया
कौन से बॉर्डर से घुस गया, उसको क्यों जांच नहीं हुआ, सीबीआई जांच क्यों नहीं किया, आज सीबीआई जांच क्यों नहीं करना दिया नरेंद्र मोदी ने। बन के रह गई है ममता बनर्जी, कर लो। ए, मेरे भाई बकला गया एकदम। ठीक है संजय जी, आपने भी अभी कहा था कि मथुरा समुदाय को आप कोशिश करेंगे कि उन्हें उनका पूरा हक मिल जाए। मथुरा समुदाय चाहता है नागरिकता यानी कि सीए तो फिर बंगाल में होगा। ठीक है ठीक है ठीक है, मथुआ समुदाय राजवंश की बात हो रही है यहाँ पर, स्थानीय मुद्दों और किस तरीके से दोनों पार्टियां इन समुदायों को लुभाने में जुटी हुई, क्योंकि 90 विधानसभा सीटों पर कहीं ना कहीं प्रभुत्व जो है वो राजवंश और मथुआ समुदाय का है। संजय जी, राजनाथ सिंह जी को अंडर में थे। संजय जी, मथुआ समुदाय जो चाहता है नागरिकता तो ममता बनर्जी देंगी सीए लागू करके? एक चीज आपको बता, मथुआ समुदाय से पहले से नागरिक है यहाँ पर, देश के वोट डाल रहे हैं, उसको आदमी ममता बाला ठाकुर चुनाव लड़ रहे थे, अभी शांतनु ठाकुर एमपी बना है, तो वो तो पहले से नागरिक थे, नया सर के कहा नागरिकता दिया जाएंगे, कहाँ से ये बात आ रहा है? कैसी बात कर रहे हैं, तो वोट कैसे डाल रही देश में? कैसी बात कर रहे हैं आप संजय सरकार जी, कैसी बात कर रहे हैं, कैसी बात कर रहे हैं? थोड़ा सा गूगल आप इस मुद्दे पर भी आप कर लीजिए। इस समुदाय को सब कुछ मिला है सिवाय, इस समुदाय को सब कुछ मिला सिवाय नागरिकता के, 1980 से ये समुदाय वेट कर रहा है। कैसी बात कर रहे हैं आप संजय जी? सूर्या जी जवाब दीजिए। पल्लवी जी, आपने देख लिया किस प्रकार से ये यहाँ पर टीवी पर बैठकर देश के सामने झूठ बोल रहे हैं, चाहे वो झूठ हो। समुदाय को देश का नागरिक बताने की बात हो, इस देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि इन जैसी राजनीतिक पार्टियां इस देश के अंदर हैं, जो इस देश की मिट्टी का सौदा करती हैं। इनको शर्म आनी चाहिए। अरे भैया, जो इतना पुराना समुदाय पश्चिम बंगाल के अंदर रह रहा है, उसके लिए टीएमसी ने कुछ नहीं किया, उसको सिर्फ मूर्ख बनाकर उसे वोट लिए, और आज जब उसको हक देने की बारी आ रही है तो उसको बरगला रहे हैं कि हमने आपको नागरिक बना रखा है। ठीक है संजय जी, जवाब दीजिए। आप लोगों ने सिर्फ बरगलाया राजवंश और मथुरा समुदाय को, जिसको साधने की कोशिश अब बीजेपी के द्वारा की जा रही है एनआरसी और सीए को लेकर के। ठीक है जवाब ले लेते हैं। बोलने चाहते हैं, मथुरा समुदाय कहाँ से आए हैं, कहाँ से आए हैं? मथुआ संप्रदाय बांग्लादेश से आए हुए हैं, इसको मालूम होना चाहिए। पहले जो प, 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 जो पहले ये पाकिस्तान था, पाकिस्तान से या बांग्लादेश होने के पहले, इनको मालूम होना चाहिए। 1980 से नागरिक के लिए जो बात किया जा रहा है, ये तो ऑलरेडी नागरिक देश के है ही है। और इसको सबसे ज्यादा गुमराह करने वाला इंसान को अमित शाह जी है, सबसे बकला गया है इनको गुमराह करने के लिए। अभी क्या है, शांतनु ठाकुर जो है वो भारतीय जनता पार्टी छोड़ने वाला ही है थोड़े समय में, ऑलरेडी ऐलान कर दिया है। और अमित शाह जी को समा था वहाँ पर, सूर्या जी जवाब दीजिए। एजिटेशन दिखाया है, आप लोग कह रहे हैं कि मथुआ नहीं, उसमें कोई दोहरा नहीं है कि मथुआ माता बड़ों माँ के टाइम से सिर्फ और सिर्फ ये समुदाय नागरिकता का वेट कर रहा है। और अगर हम पूरे चुनावी समीकरण को समझे तो हर बार राजनीतिक पार्टियां आती है जाती है बदलती रहती है, समुदाय को सब कुछ मिलता है लेकिन जो उसका हक था वो नहीं मिला, सरकारी नौकरियों से वंचित है ये समुदाय। और आप कह रहे हैं कि इस समुदाय को आप लोगों ने सब कुछ दिया है, बड़ों माँ का हाथ था टीएमसी के ऊपर, जिसकी वजह से आप लोग दो बार सत्ता जीते और पश्चिम बंगाल के सर माथे पर बैठे हुए थे, और आप कह रहे हैं कि समुदाय को सब कुछ मिला। सूर्या जी जवाब। पल्लवी जी, ये लोग सिर्फ झूठ की राजनीति करते हैं। इन्होंने मथुआ माता के संग भी धोखा किया है, उनको इन्होंने विश्वास दिलाया था लेके सब कुछ करने के लिए दीदी देखिए करने के लिए बंगाल को जनता जानता है। आप जैसे झूठ पार्टी नहीं है, भारतीय जनता पार्टी जैसा होता है ना, भारतीय झूठ पार्टी और झूठ पार्टी आपका टीएमसी नहीं है, बंगाल को जनता को मालूम है। शाही इमाम था बरकती, अब वो नहीं दिखाई देता ना, अब तो आप लोग माता के पंडाल लगवा रहे हैं,
अंत में आना के लिए तो लखनऊ में दुर्गा पूजा करने के लिए परमिशन नहीं दिया था, जय श्री राम का नारा लगाने वालों को जेल भेजने का काम करने वाली तृणमूल कांग्रेस की ममता बनर्जी दीदी को परमिशन नहीं दिया था। आपको जानकारी होना चाहिए ना, लखनऊ में दुर्गा पूजा के बंद करने के लिए ममता दीदी को होने ही नहीं दिया था। उनको कह देना कि अपने पापों का प्रायश्चित कर ले, पूरा बंगाली जाति को। ठीक है सूर्या जी, जिस तरीके से राजवंश समुदाय को साधने की कोशिश गृह मंत्री के द्वारा की जा रही है, तो कहीं ना कहीं असम को टारगेट करने की भी कोशिश यहां पर है गृह मंत्री के द्वारा। नारायणी, जो समुदाय है हमारा, राजवंश समुदाय जो है, वो इस देश का बहुत ही देश प्रेमी समुदाय है और उन्होंने भारत को चुना 1980 के अंदर। जब वो भारत में आ चुके थे 1971 के बाद, वो धीरे 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 भारत में आ चुके थे। उन्होंने इस देश की मिट्टी के लिए काम किया है। और मैं आपको आपके टीवी के माध्यम से बताना चाहता हूँ और पूरे देश को बताना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का ये कोई पॉलिटिकल स्टंट नहीं है। हम इस देश के हर उस व्यक्ति के साथ हैं जो इस देश की मिट्टी से प्रेम करता है, भारत माता की जय बोलता है, जो इस देश से घुटपैठियों को निकालने की बात करता है, जो इस देश को अपना देश मानता है और इस देश के विकास के लिए लड़ने मरने और हर वो काम करने को तैयार है जो इस देशभक्त करता है। ठीक है, इसी कड़ी में नारायणी जो बटालियन बनाने की बात की गई है, वो इसीलिए बात की गई है कि नारायणी बटालियन बना जो जो इनका देशभक्ति का जो जुनून है, जो इनके अंदर बहादुरी का जुनून है, वो नारायण नारायण रेजिमेंट बनाया जाता है। आवाज इको कर रही है आपकी, आवाज आवाज इको कर रही है। देखिए, अगर मैं संजय है, अगर आप संजय नहीं है, मेरे को पूछा गया है, मेरे को बोलने दीजिए। ठीक है, ठीक है ना, मैं संजय है, मेरे को बोला है। एक चीज आपको बता रहे हैं, सबसे बड़ी बात है, असम में अगर बंगाली लोग बंगला बोलता है तो उसको मारा जाता है, हत्या किया जाता है, ठीक है, उसको जेल में रखा जाता है। और अभी ये एनआरसी जो असम में हुआ है, उसमें अगर 20 लाख आदमी अगर वहां पर है, 13 लाख बंगाली हिंदू को डिटेंशन कैंप में रखा गया है। बंगाली हिंदू को डिटेंशन कैंप में रखा गया है, आप देख लीजिए। अगर मैं अगर कहीं झूठ बोलता है तो आप आरटीआई करके जो तथ्य है ले लीजिए, लेने के बाद आपको मालूम पड़ेंगे। तो ये बंगाली जाति भारतीय जनता पार्टी को कैसे विश्वास करेंगे जी, ये फिर नागरिकता के नाम पे बंगाली को बंगला से हटाना चाहता है, बंगाली जाति को हटाना चाहते हैं, ठीक है ना। तो इस मामला में बंगाली जाति अभी एक कट्टा हो चुके हैं भारतीय जनता पार्टी को जवाब देने के लिए, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। जो बंगाली जाति है, बंगाली जाति को मालूम, इनको जो नेता दिलीप घोष ऑलरेडी बोल चुका, बंगाली जाति चोर चीटिंग बाज़ है। तो अब बंगाल के रण को जाति के आधार पर जीता जाएगा क्या, संजय सरकार का कोई इतिहास नहीं है, जाति के आधार पर जीता जाएगा क्या, ऐसा बोला जा रहा है, ऐसा बोला जा रहा है, ठीक है। तो ऐसा यही सब मैटर रहता है। बिल्कुल, तो बंगाल मेरा सवाल यही है ना कि अब क्या बंगाल के रण को जाति के आधार पर जीता जाएगा क्या? हाँ जी, बंगाल के रण को जाति के आधार पर जीता जाएगा, जातिगत राजनीति के आधार पर जीता जाएगा, या फिर वहाँ के लोगों की जो स्थानीय लोगों की जो समस्याएं हैं उन्हें सॉल्व करते हुए जीता जाएगा बोलने के लिए उसको मारा जाता। चर्चा भी हम इसी पर कर रहे हैं कि वहाँ के रहने वाले लोगों की आखिर समस्याएं क्या है। वही बंगाली जाति फिर भारतीय जनता पार्टी को कैसे वोट देंगे, उनको सरकार है वहाँ असम में, अगर घुसपैठी घुसता है तो ये सोनोवाल जी जिम्मेवारी, अमित शाह जी जिम्मेदारी है, बॉर्डर देखने का जिम्मेवारी अमित शाह को, बॉर्डर सिक्योरिटी बोर्ड देखने के लिए जिम्मेवारी अमित शाह को, अपना नहीं, हम इंटरनल लॉ एंड ऑर्डर देखते हैं। तो उन्हें घुसपैठियों को बाहर निकालने की जो रणनीति है वो गृह मंत्री के द्वारा की जा रही है ना संजय सरकार जी, वही वजह है कि राजवंश समुदाय को यहाँ पर टारगेट करने की कोशिश की जा रही है गृह मंत्री के द्वारा, उन्हीं घुसपैठियों को बाहर निकाल के एनआरसी लागू करके। तो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बात यहाँ पर सीए एनआरसी की एक बार फिर से रही है सूर्या जी। पल्लवी जी, ये केवल झूठ फैलाने की राजनीति करते हैं इन्होंने। असम झूठ फैलाता है, असम में 13 लाख हिंदू को डिटेंशन कैंप में रखा, किसने रखा की बात की, किसने रखा? मेरे इस मित्र के पास बहुत सारे आंकड़े हैं लेकिन इनको इतना नहीं पता, या बेशर्मी से झूठ बोल रहे हैं बैठ के। हाँ, बेशर्मी से झूठ नहीं बोल रहा है, मेरे पास में रिपोर्ट कार्ड है, रिपोर्ट कार्ड के हिसाब से बोल रहा है। आप एंकर मैदान जी से पूछ लीजिए, आपके पास अगर कोई आंकड़ा नहीं है तो पूछ लीजिए आप जाके। इन्होंने झूठ फैलाने की जो एक नीति अपना रखी है उसका उत्तर असम भी देगा और बंगाल भी देगा। आपको बताना चाहता हूँ, जो CAA लाए गए हैं वो कारण यही है कि राजनीतिक
प्रताड़ना के आधार पर जो भी मेरा हिंदू भाई या अल्पसंख्यक मित्र मेरा कोई भी, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो बौद्ध हो, चाहे वो ज्यूश हो, चाहे वो पारसी हो, आसपास की कंट्रीज में से, आसपास के देश में से जो भारत में शरण लेना चाहेगा, सबको हम लोग नागरिकता देंगे। ठीक है संजय जी, जो चीज गृह मंत्री के द्वारा कही गई थी वही कहीं ना कहीं यहाँ पर सूर्या जी के द्वारा कही जा रही है कि राजवंश समुदाय को खुश करते हुए एनआरसी पश्चिम बंगाल में लागू करते हुए पश्चिम बंगाल के रण को जीतने के साथ साथ यहाँ पर पैर पसारने की कोशिश असम तक बीजेपी की। संजय सरकार जी, देखिए अभी जो चार राज्य में चुनाव हो रहे हैं और एक केंद्र शासित अंचल में चुनाव हो रहा है, कहीं कहीं भी भारतीय जनता पार्टी का नाम निशान नहीं मिलेगा। केरल में वो तो ऑलरेडी वॉश आउट हो चुके हैं, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, बंगाल में वॉश आउट हो चुका है, तमिलनाडु में बुरे तरह से एआईडीएमके के साथ में हारने वाला ही है, असम में कांग्रेस एआईडीएफए और बोरो बोरो जो है एजेपी अलग लड़ेंगे, इसको इसको सरकार से जाना ही जाना है। सबसे बड़ा मुद्दा है एनआरसी मुद्दा है, जो बंगाली को डिटेंशन कैंप में रखे हुए हैं, बंगाल का अंदर में वो डर फैले हुए हैं। तो आपको लगता है बीजेपी का पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री का चेहरा ना होना टीएमसी के लिए फायदेमंद हो सकता है? जिस तरीके से स्टार प्रचारक लगातार उतर रहे हैं, प्रधानमंत्री के साथ साथ गृह मंत्री इस रण क्षेत्र में कूच के शंखनाद कर दिया है उन्होंने इस रण को जीतने के लिए, लेकिन मुख्यमंत्री का चेहरा क्लियर नहीं किया है, तो टीएमसी के लिए फायदे की बात हो जाएगी क्या? दे नहीं पाएंगे तो ये कैसे करेंगे? सबको मालूम है 1950 से जो कहानी होते जा रहे हैं, ये सबसे बड़ा झूठे बात हो रहा है भारतीय जनता पार्टी। मेरा सवाल आपसे है कि बीजेपी का मुख्यमंत्री का चेहरा अभी पश्चिम बंगाल में क्लियर नहीं हुआ है, तो क्या टीएमसी को इससे कोई फायदा होगा? लीडर आपको क्या लगता है बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को? बाहर से उधारी करके लेके आने पड़ता सब भारी को। ठीक है, भारी को उधार लेके आने पड़ता। ठीक है सूर्या जी, एक बार फिर से पश्चिम बंगाल में जब भगवा रंग फहरा दिया जाएगा, आपको क्या लगता है कहाँ देख रहे हैं आप अपनी पार्टी को? क्योंकि बागी विधायक तो बीजेपी में लगातार शामिल हो रहे हैं, लेकिन विधायकों का फायदा होगा बीजेपी को? दूसरे से टूटा हुआ आदमी को लेने में उसको अच्छा, तो जिसको चोर वालों चोर को जोड़ा पड़ गया। पार्टी बंगाल के अंदर जीतेगी और बंगाल का मुख्यमंत्री देखो भाई, दिन में सपना देखो लड्डू का हुआ, कोई धरती पुत्र होगा, ये बात तय है। और इस बार 200 सीटों के साथ दिन में सपना देखो लड्डू खाओ, आप इस बात को देख लीजिएगा। इसी भगव इसी परेशानी में, इसी हड़बड़ाहट में आज इस समय में टीएमसी के अंदर भगदड़ मची हुई है, रोज इनका कोई ना कोई नेता भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर रहा है। और मेरे कार्यकर्ता केडर में पार्टी है, मेरा वो सब लीडर चिल्ला जाता है, मेरे पार्टी में कोई फर्क नहीं पड़ता है। अरे अपनी हैसियत देखो, अरे चिल्लर जाते हैं तो मेरे कुछ फर्क नहीं पड़ता, मैं बूथ वाइज बूथ वाइज और कैडर में पार्टी है। उत्तर बंगाल की जनता, सूर्या जी टीएमसी कहती है कि यहाँ पर पश्चिम बंगाल में राम का कार्ड नहीं चलेगा, आप देश के किसी और राज्य में कार्ड चला लीजिएगा राम का, यहाँ पर ममता कार्ड चलता है वही चलेगा और तीसरी बार भी ममता सरकार रहेगी और ममता ही जीतेगी। आ रहे हैं संजय जी, इस प्रकार 2019 के अंदर देश की जनता ने चुनाव लड़ा था, भारतीय जनता पार्टी ने नहीं, ये सारा विपक्ष एक था और देश की जनता एक तरफ थी, उसी प्रकार इस बार भी बंगाल की जनता एक तरफ है और कांग्रेस मार्क्सिस्ट और साथ में ये तृणमूल ये सब एक तरफ होंगे और भाजपा चुनाव नहीं लड़ेगी, बंगाल की जनता चुनाव लड़ेगी और बंगाल की जनता भाजपा को 200 सीटें देगी। इस बात को आप देखिए, सूर्या जी कहीं ना कहीं कहना है, माफ करिएगा संजय सरकार जी, सूर्या जी का कहीं ना कहीं कहना ये है कि एक बार गठबंधन में भले ही नहीं उतरे हैं, लेकिन महागठबंधन जो कभी आप लोगों ने बनाया था वो सब एक तरफ और पश्चिम बंगाल की जनता बीजेपी की तरफ, ये कहना चाहते हैं? इसको मालूम ही नहीं है जो वोट पोलराइजेशन होने जा रहा है, इसके नरेंद्र मोदी से लेकर अमित शाह जी को दिमाग बौखला गया, पगला गया है, क्योंकि लास्ट टाइम 39% वोट था भारतीय जनता पार्टी में, 26% कम्युनिस्ट और 10% कांग्रेस के था, 26% वोट जो है भारतीय जनता पार्टी में चला गया, इस पर कांग्रेस और कम्युनिस्ट एक हो गया है। अगर उसमें 2% भी पोलराइजेशन हो जाएंगे, भारतीय जनता पार्टी 200 बोल रहे हैं ना, एक सुनना सीट भी नहीं मिलेगी। हकीकत बता रहे हैं आपको, हकीकत बता रहा है भारतीय जनता पार्टी को दिमाग पकड़ा गया है। अगर 2% पोलराइजेशन होगा, 2% अगर कांग्रेस के पास चला जाए तो भारतीय जनता पार्टी दिन में सपना देखने पड़ेगा, सपने के लिए और सामने बैठ के चना लड्डू खाने पड़ेंगे, स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक करनी है और सुशासन लाना है तो भारतीय जनता पार्टी को लाना पड़ेगा, और ये बात बंगाल की जनता तय कर चुकी है।
अरे ठीक है संजय जी जवाब दीजिए, ये कहना चाहते हैं सूर्या जी कि वहां पर सुशासन की जरूरत है, कुशासन फैला हुआ है अभी पश्चिम बंगाल में और उसके तहत बीजेपी का आना बेहद जरूरी। आपका जवाब संजय जी। भारतीय जनता पार्टी का ना है यहाँ कोई चीफ मिनिस्टर का मुंह, ना है कोई क्राउड पुलर लीडर, 78,903 बूथ में ना दे पाएंगे एजेंट, बूथ के पोलिंग एजेंट जो होता है वो नहीं दे पाएंगे, सरकार कहाँ से जाएंगे। अरे सरकार बैठ करने के लिए हर बूथ में एजेंट देने पड़ता है, कार्यकर्ता का जरूरत पड़ता है, तो वही है नहीं ना क्राउड पुलर लीडर। दिलीप घोष, दिलीप घोष पागल होता है, गाय का दूध से सोना मिलता है, सब जब सोना वाला गाय रास्ता में पकड़ते हैं आदमी लोग, अब आना बयान देते हैं। दुर्गा माता बोल, दुर्गा माता का कोई इतिहास नहीं है, दुर्गा माता बोल तो कुछ ही नहीं है, राजा था इसके लिए हम राम को यूज कर रहे हैं, राम भगवान है, लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मी भगवान है, इसको मालूम नहीं है, इसको ना क्राउड पुलर लीडर है, 78,903 बूथ में एजेंट दे पाएंगे। सूर्या जी लोकसभा और विधानसभा चुनाव में फर्क होता है, दिल्ली में आप लोगों ने देख ही लिया होगा, अब अगर दिल्ली वाला पैटर्न पश्चिम बंगाल में लागू हो जाता है तो पता है ना खामियाजा कितना बुरा होगा। वो तो उसको मालूम है भारतीय जनता पार्टी, दिल्ली और पश्चिम बंगाल में बहुत फर्क है। पश्चिम बंगाल इस समय घुसपैठियों से परेशान है और इस स्थिति के अंदर बंगाल ने तय किया है कि भारतीय जनता पार्टी को 200 सीटों के साथ बंगाल को प्रचंड विजय दिलवाएंगे वो। जी नहीं, मेरा सवाल आपसे ये था कि अगर दिल्ली वाला पैटर्न पश्चिम बंगाल में आ जाता है तो आपके लिए खामियाजा 200, अब की बार 200 पार वाला नारा मैं आपसे नहीं पूछ रही हूँ सूर्या जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि लोकसभा विधानसभा चुनाव में बहुत बड़ा अंतर होता है। मैंने जैसे इस चर्चा की शुरुआत में ही कहा था कि प्रधानमंत्री के तौर पर अगर नरेंद्र मोदी को जनता, इस देश की जनता पसंद करती है, लेकिन राज्यों की स्थिति डामाडोल रही है कई राज्यों में, दिल्ली की ही बात ले लीजिए। अब दिल्ली वाला पैटर्न अगर पश्चिम बंगाल में लागू हो जाता है तो कितना भी मथुआ समुदाय और राजवंश समुदाय को आप लोग मनाने की कोशिश करें लेकिन खामियाजा भुगतना पड़ जाएगा क्योंकि मुख्यमंत्री का चेहरा अभी भी क्लियर नहीं है पश्चिम बंगाल में, और यही हुआ था दिल्ली में। इस समय में बंगाल की जनता ने यह तय कर लिया है बंगाल के अंदर परिवर्तन होगा, और आपने प्रश्न उठाया है दिल्ली और बंगाल का मुख्यमंत्री के फेस का, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का हर नेता मुख्यमंत्री का फेस है, चुनाव जीतने के बाद ये तय किया जाएगा कि मुख्यमंत्री कौन होगा, ये भारतीय जनता पार्टी की राजनीति है। उत्तर प्रदेश के अंदर भी हम लोगों ने बिगर मुख्यमंत्री के फेस के हमने चुनाव लड़ा था और हम इतना प्रचंड बहुमत से जीते थे। मैं आपको बता दूं दिल्ली का भी रुख कर लेते हैं, मनोहर लाल खट्टर थे भले ही वहां पे लेकिन स्थिति क्या थी, राज्यों की स्थिति की बात की थी मैंने। संजय सरकार जी, ममता बनर्जी ने मथुआ समुदाय और राजवंश समुदाय को टारगेट करने की बहुत कोशिश की, उनके लिए कई योजनाएं भी लाई, लेकिन अमित शाह ने जो एनआरसी और सीए का मुद्दा ला दिया है तो कहीं ये नहले पे दहला तो नहीं हो जाएगा। संजय सरकार जी समय की कमी है, आखिरी प्रतिक्रिया आपकी तरफ से। देखिए मैं एक चीज आपको बता रहा है, हम लोग चुनाव बिल्कुल जीत चुके हैं, आप रिजल्ट का आप देखिएगा जिस दिन चुनाव निकलेंगे, हम सब संप्रदाय को लेकर काम करता है, वाले मथुआ राजवंशी को लेकर नहीं, और इसके अलावा सबसे बड़ा बात है जो बांग्लादेश से आई है, यही वजह है आपने जो अभी कहा ना कि आप देश की जनता पश्चिम बंगाल की जनता को लेकर बात करें मथुआ समुदाय को नहीं, यही चीज आप लोगों ने 10 साल से अपना रखी है जिसकी वजह से ये समुदाय आप लोगों से रुष्ट हो चुका है। बड़ों माँ तो अब रही नहीं है लेकिन ये समुदाय बड़ों माँ का हाथ जो टीएमसी के ऊपर था वो खिंच चुका है, और राजवंश समुदाय मथुआ समुदाय सीधे तौर पर बीजेपी की तरफ चले गए हैं, खामियाजा भुगतना ना पड़ जाए। बहुत बहुत शुक्रिया, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सूर्य मैथिल, बीजेपी के प्रवक्ता, संजय सरकार टीएमसी के प्रवक्ता हमारे साथ लाइव जुड़े हुए थे इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि राजवंश समुदाय और मथुआ समुदाय पर सियासत लगातार जारी, लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि बीजेपी ने जो नहले पे दहला मारा है सीएनआरसी का मुद्दा एक बार फिर से उछाल के, इसका फायदा बीजेपी को मिलेगा या नहीं या टीएमसी को, इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही, अब बने रहे हमारे साथ, देखते रहे आर न्यूज़।